So in this way we have completed the explanation of this lesson. Let's go through the word meanings of this lesson. Okay, let's move towards the word meanings. First word is poignant, poignant means marmasparsi, right, this is a very touching account, so touching means also marmasparshi and poignant also means marmasparsi. Actually we can say poignant and touching. आदर synonyms right? Now, account, account means description, यानी वर्णन है right? उसके बाद है searchingly, searchingly means inquiringly, है ना खोजते हुए तो अब इसको हम स्टोरी से कनेक्ट करते हैं कि ये जो सर्चिंगली कहाँ यूज़ हुआ है कि जब जो नरेटर है वो या फिर हम कह सकते हैं मिसेस एस की जो डॉटर है वो मिसेस डॉलिंग को खोजते हुए आती हैं राइट या उनके जो रूम नंबर 46 है उसको खोजते हुए आती हैं तब यहाँ सर्चिंग लीज़ होता है नाउ चिंक चिंक जब मैंने बताया था कि दैट लेडी ओपन अ स्लाइड डोर एंड पीप्ड राइट तो चिंक यहाँ वर्ड यूज हुआ है तो अ नैरो ओपनिंग और अ पीप होल कह सकते हैं So थोड़ा सा दरार कहते हैं राइट right? हम तो चिंक उन्होंने क्या किया था थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था राइट right? और इतने में से ही शायद अपनी सिर को निकाल करके वो पूछती हैं कि ये यू जो भी मैंने आपको एट द टाइम ऑफ स्टोरी एक्सप्लेनेशन बताया था राइट right? uh, फिर है फ्लिटिंगली फ्लिटिंगली का मीनिंग होता है मोमेंटरली और लास्ट फॉर अ मोमेंट राइट तो ये वर्ड वहाँ पे यूज होता है जब द लेडी वॉज वेन द लेडी वॉज सेंग दैट अपेरेंटली ही वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर हु आर यू और हु आर द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस वो ये जब चीज़ कहती हैं तब जस्ट बिकॉज नरेटर ने भी उनको बहुत साल पहले ओनली फर्स्ट टाइम देखा था ओनली वन टाइम देखा था उसके बाद उन्होंने नहीं कहा था तो शी वॉज थिंकिंग दैट कि हो सकता है कि आई एम एट द रोंग प्लेस है ना तो यहाँ पे फ्लिटिंगली उनके मन में एक बार फ्लिटिंगली मतलब फॉर अ मोमेंट ये एक थाट आया था राइट right? नाउ निटेड निटेड का मतलब होता है मेड थ्रू निटिंग नीडल्स है ना आप अपने घरों में देखते होंगे आपकी दादी मम्मा सब क्या करते हैं ठंड का मौसम जैसे ही पास आने लगता है तो वो तो लोग क्या करते हैं सिलाई और ऊन लेकर के क्या करने लगते हैं स्वेटर बनाने लगते हैं तो जो सिलाई है उसे हम क्या कहते हैं निटिंग निडल्स कहते हैं ओके और ऊन को क्या कहते हैं वो कहते हैं ओके आगे बढ़ते हैं तो कार्डिगन कार्डिगन क्या होता है निटेड जैकेट राइट एक तरह का जैकेट होता है स्पेशली ये जो कार्डिगन होते हैं वो लेडीज वियर करते हैं है ना तो एक जैकेट की तरह होता है और वहाँ पे बटन्स लगे होते हैं मिडल में right? इसको उसको बंद करने के लिए ओके okay. उसके बाद मस्टी मस्टी का यूज़ का ओके लेट्स मूव टू वर्ड वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट वर्ड इज पोगनेंट पोगनेंट मीन्स मर्मस्पर्शी राइट right? मैंने जैसे आपको बताया था दिस इज अ वेरी टचिंग अकाउंट तो टचिंग मीन्स ऑल्सो मर्मस्पर्शी एंड पोइ्नेंट ऑल्सो मीन्स मर्मस्पर्शी एक्चुअली वी कैन से पोइ्नेंट एंड टचिंग अदर सिनोन एम्स राइट नाउ अकाउंट अकाउंट मीन्स डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन है राइट right? उसके बाद है सर्चिंगली सर्चिंगली मीन्स इंक्वायरिंगली है ना खोजते हुए तो अब इसको हम स्टोरी से कनेक्ट करते हैं कि ये जो सर्चिंगली कहाँ यूज़ हुआ है कि जब जो नरेटर है वो या फिर हम कह सकते हैं मिसेस एस की जो डॉटर है वो मिसेस डॉलिंग को खोजते हुए आती हैं राइट या उनके जो रूम नंबर फोर्टी सिक्स है उसको खोजते हुए आती हैं तब यहाँ सर्चिंग ली यूज होता है नाउ चिंक चिंक जब मैंने बताया था कि दैट लेडी ओपन अ स्लाइड डोर एंड पीप्ड राइट तो चिंक यहाँ वर्ड यूज हुआ है तो अ नैरो ओपनिंग और अ पीप होल कह सकते हैं तो so, थोड़ा सा दरार कहते हैं राइट right? हम तो so, चिंक उन्होंने क्या किया था थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था राइट right? और इतने में से ही शायद अपनी सिर को निकाल करके वो पूछती हैं कि ये सुआ यू जो भी मैंने आपको एट द टाइम ऑफ स्टोरी एक्सप्लेनेशन बताया था राइट right? uh, फिर है फ्लिटिंगली फ्लिटिंगली का मीनिंग होता है मोमेंटरली और लास्ट फॉर अ मोमेंट राइट तो ये वर्ड वहाँ पे यूज होता है जब द लेडी वॉज वेन द लेडी वॉज सेंग दैट अपेरेंटली ही वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर हु आर यू और हु आर द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस वो ये जब चीज़ कहती हैं तब जस्ट बिकॉज नरेटर ने भी उनको बहुत साल पहले ओनली फर्स्ट टाइम देखा था ओनली वन टाइम देखा था उसके बाद उन्होंने नहीं कहा था तो शी वॉज थिंकिंग दैट कि हो सकता है कि आई एम एट द रोंग प्लेस है ना तो यहाँ पे फ्लिटिंगली उनके मन में एक बार फ्लिटिंगली मतलब फॉर अ मोमेंट ये एक थाट आया था राइट right? नाउ निटेड निटेड का मतलब होता है मेड थ्रू निटिंग नीडल्स है ना आप अपने घरों में देखते होंगे आपकी दादी मम्मा सब क्या करते हैं ठंड का मौसम जैसे ही पास आने लगता है तो वो तो लोग क्या करते हैं सिलाई और ऊन लेकर के क्या करने लगते हैं स्वेटर बनाने लगते हैं तो जो सिलाई है उसे हम क्या कहते हैं निटिंग निडल्स कहते हैं ओके okay. और ऊन को क्या कहते हैं वोल कहते हैं ओके okay. आगे बढ़ते हैं तो कार्डिगन कार्डिगन क्या होता है जैकेट राइट right? एक तरह का जैकेट होता है स्पेशली ये जो कार्डिगन होते हैं वो लेडीज वियर करते हैं है ना तो एक जैकेट की तरह होता है और वहाँ पे बटन्स लगे होते हैं मिडल में राइट टू इसको उसको बंद करने के लिए ओके okay. उसके बाद मस्टी मस्टी आ, का यूज़ कहाँ हुआ था कि जब थोड़ा सा वो डोर खोलती हैं और जो लेडी हैं मिसेस जॉलिंग वो बाहर आती हैं तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ से एक मस्ती सा स्मेल आता है मस्ती का मीनिंग क्या होता है स्मेलिंग अनप्लेजेंट एंड डैम बहुत ही बुरी स्मेल होती है ये या हम कह सकते हैं सीलन सी या थोड़ा डस्ट से मिला हुआ स्वेल अंदर से बाहर की ओर आती है राइट ओके उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं रीग्रेट रिग्रेट का मीनिंग होता है, meaning होता है feel sorry, अफसोस जताना। तो यहाँ डॉलिंग ने किस चीज पर अफसोस जताया था कि शी फिल्ड रिग्रेट कि उनकी मॉम जो है और उनकी फैमिली जो है अब उनके साथ नहीं है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर तो यहाँ पे मिसेस डॉलिंग रिग्रेट फील कर रही थी कन्वीनियन मतलब कम्फर्टेबल कन्वीनियंट वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है जब मिसेस डॉलिंग कहती हैं कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम एंड आई एम नॉट कन्वीनियंट दिस टाइम इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर बोथ ऑफ अस टू मीट एंड टॉक विथ ईच अदर तो यहाँ पे जो है कन्वीनियंट का यूज़ हुआ है ओके कॉशस कॉशस का मतलब विथ कॉशस एंड केयर हम कह सकते हैं तो ये कब होता है जब कॉशसली वो धीरे से दरवाजे को बंद करती हैं कि बाकी के फैमिली मेम्बर्स को वो डिस्टर्ब ना करें उसके बाद एक वर्ड मीनिंग आती है बे विंडो बे विंडो क्या होता है ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था बे विंडो जब वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं एट दैट टाइम द नरेटर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर एक्चुअली क्या हुआ था उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और वो वहीं खड़े की खड़ी रह गई थी एंड फ्रॉम दैर शी वॉज एबल टू सी की फ्रॉम द बे विंडो देयर आस्किंग टू मिस इज़ डॉलिंग दैट देयर वॉट वॉज गोइंग ऑन तो वहाँ पर शायद मिसिस डॉलिंग उस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि एवरी थिंग इज़ फाइन नथिंग टू वरी देर इज़ अ पर्सन जस्ट वॉन्ट टू आस्क समथिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे बे विंडो uh, का यूज़ हुआ है अब बे विंडो की मीनिंग जान लेते हैं इट इज़ अ लार्ज विंडो विथ ग्लैंस ओपनिंग विथ ग्लास ओपनिंग आउट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल ठीक है तो आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत सारी विंडोज रहती हैं जहाँ पर जो ग्लासेस हैं वो बाहर की तरफ उनका दरवाजा खुला रहता है राइट तो इस तरह की विंडोज को हम क्या कहते हैं बे विंडो कहते हैं राइट उसके बाद हुआ था कि जब थोड़ा सा वो डोर खोलती हैं और जो लेडी है मिसेस जॉलिंग वो बाहर आती हैं, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ से एक मस्ती सा स्मेल आता है मस्ती का मीनिंग क्या होता है स्मेलिंग अनप्लेजेंट एंड डैम बहुत ही बुरी स्मेल होती है ये या हम कह सकते हैं सीलन सी या थोड़ा डस्ट से मिला हुआ स्मेल अंदर से बाहर की ओर आती है राइट ओके उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं रीगरेट रीग्रेड का मीन होता है मीनिंग होता है फील सॉरी अफसोस जताना तो यहाँ पे मिसेस डॉलिंग ने किस चीज़ पर अफसोस जताया था कि शी फिल्ड रिग्रेट कि उनकी मॉम जो है और उनकी फैमिली जो है अब उनके साथ नहीं है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर तो यहाँ पे मिसेस डॉलिंग रिग्रेट फील कर रही थी कन्वीनियन मतलब कम्फर्टेबल कन्वीनियंट वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है जब मिसेस डॉलिंग कहती हैं कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम एंड आई एम नॉट कन्वीनियंट दिस टाइम इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर बोथ ऑफ अस टू मीट एंड टॉक विद ईच अदर तो यहाँ पे जो है कन्वीनियंट का यूज़ हुआ है ओके कॉशस कॉशस का मतलब विद कॉशस एंड केयर हम कह सकते हैं तो ये कब होता है जब कॉशसली वो धीरे से दरवाजे को बंद करती हैं कि बाकी की फैमिली मेम्बर्स को वो डिस्टर्ब ना करें उसके बाद एक वर्ड मीनिंग आती है बे विंडो बे विंडो क्या होता है ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था बे विंडो जब वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं एट दैट टाइम द नरेटर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ़ द डोर एक्चुअली क्या हुआ था उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और वो वहीं खड़े की खड़ी रह गई थी एंड फ्रॉम दर शी वॉज एबल टू सी की फ्रॉम द बे विंडो देयर आस्किंग टू मिसेज़ डॉलिंग दैट देयर वट वॉज गोइंग ऑन तो वहाँ पर शायद मिसिस डॉलिंग उस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन नथिंग टू वरी देर इज़ अ पर्सन जस्ट वॉन्ट टू फॉर समथिंग तो इस तरीके से यहाँ पे बे विंडो uh, का यूज़ हुआ है अब बे विंडो की मीनिंग जान लेते हैं इट इज़ अ लार्ज विंडो विथ ग्लांस ओपनिंग विथ ग्लास ओपनिंग आउट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल ठीक है तो आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत सारी विंडोज़ रहती हैं जहाँ पर जो ग्लासेस हैं वो बाहर की तरफ उनका दरवाज़ा खुला रहता है राइट तो इस तरह की विंडोज़ को हम क्या कहते हैं बे विंडो कहते हैं राइट उसके बाद इनैमल इनैमल का मतलब होता है ए टाइप ऑफ पेंट ठीक है यहाँ पे मैंने आपको ये वर्ड कहाँ डिस्कस किया था वेन शी फाउंड द नेम मिसिस डॉलिंग रिटर्न इन इनमल विद अ ब्लैक पेंट है ना वहाँ पे नंबर फोर्टी सिक्स और मिसेज डॉलिंग लिखा हुआ था तो यहाँ पे इनमल जो है वो वर्ड होता है उसके बाद आती है एक्यूंटेंस एक मतलब है सॉरी uh, एक no, uh, मतलब होता है अनसन तो हु वॉज एक्टेंस टू होम मिसिस डॉलिंग वॉज एक एस ठीक है आई होप आपको इतनी वर्ड मीनिंग क्लियर होगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्यू वर्ड मीनिंग के साथ uh, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जहाँ पे आप देखते हैं कि रीन्यूड एक वर्ड है तो स्टार्ट अगेन तो क्या रीन्यू हुआ था कुछ पैराग्राफ्स में आ पाते हैं तो मिसेस डॉलिंग जो थी उन्होंने वो एक पुरानी एक्वेंटेंस थी और उन्होंने अपने जो रिलेशन है उनको रीन्यू किया था तो यहाँ पे रिन्यू वर्ड यूज होता है राइट रेगुलरली एंड आफ्टर रिन्यूइंग हर रिलेशनशिप विध मिस एस शी रेगुलरली विजिटेड हर होम है ना वो उनके घर को रेगुलरली विजिट करने लगी थी रेगुलरली का मतलब होता है इन रेगुलर इंटरवल्स है ना हमेशा कुछ दिनों में वो मिलने ज़रूर आती थी ठीक है और रिन्यूड का मतलब क्या होता है स्टार्टेड गैन ओके वन गो वन गो का मीनिंग होता है एट वन टाइम एक बार में ठीक है तो ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है तो जब आ, जो ऑथर हैं वो या नरेटर हैं वो ये बता रही हैं कि मिसेस डॉलिंग यूज़ टू टेक सो मेनी थिंग्स एट हर वन गो है ना कि जो बिलोंगिंग्स थी मिसेस एस की वो एक जब एक बार जाती थी तो वो बैग फुल करके एक ही बार में कई सारी बिलोंगिंग्स को लेके जाती थी ओके okay. उसके बाद है एंटिक एंटीक का मतलब होता है वेरी ओल्ड है ना जो कि आ, बहुत पुरानी होते हैं उनको हम एंटीक पीसेस कहते हैं राइट उसके बाद है लगिंग लगिंग का मतलब होता है ड्रैगिंग ड्रैगिंग ये वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है जब मिसेस डॉलिंग एक सूटकेस भर के जो है वैल्यूएबल चीज़ों को लेके जा रही थी एंड दैट सूटकेस वॉज एक्चुअली दैट मच हैवी कि वो उसको पिक भी नहीं कर पा रही थी एट दैट टाइम शी वाज लैगिंग दैट सूटकेस राइट तो यहाँ पे लैगिंग यूज हुआ था ओके okay. वैसे इनामल इनामल का मतलब होता है ए टाइप ऑफ पेंट ठीक है यहाँ पे मैंने आपको ये वर्ड कहाँ डिस्कस किया था व्हेन शी फाउंड द नेम मिसेस जॉलिंग रिटर्न इन इनामल विथ अ ब्लैक पेंट है ना वहाँ पे नंबर फोर्टी और मिसेज डॉलिंग लिखा हुआ था तो यहाँ पे इनेमल जो है वर्ड होता है उसके बाद आती है एक्यूंटेंस का मतलब है अन नो सॉरी एक का मतलब होता है अनोन पर्सन तो हु वॉज एक टू होम मिसिज डॉलिंग वॉज एक एस ठीक है आई होप आपको इतनी वर्ड मीनिंग क्लियर होगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्यू वर्ड मीनिंग के साथ Uh, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जहाँ पे आप देखते हैं कि रीन्यूड एक वर्ड है तो स्टार्ट अगेन तो क्या रीन्यू हुआ था कुछ पैराग्राफ्स में आ पाते हैं तो मिसेस जॉलिंग जो थी उन्होंने वो एक पुरानी एक्वेंटेंस थी और उन्होंने अपने जो रिलेशन है उनको रीन्यू किया था तो यहाँ पे रीन्यू वर्ड यूज़ होता है राइट रेगुलरली एंड आफ्टर रीन्यूइंग हर रिलेशनशिप विध मिस एस शी रेगुलरली विजिटेड हर होम है ना वो उनके घर को रेगुलरली विजिट करने लगी थी रेगुलरली का मतलब होता है इन रेगुलर इंटरवल्स है ना हमेशा कुछ दिनों में वो मिलने ज़रूर आती थी ठीक है और रीन्यू का मतलब क्या होता है स्टार्टेड अगैन ओके वन गो वन गो का मीनिंग होता है एट वन टाइम एक बार में ठीक है तो ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है तो जब आ, जो ऑथर हैं वो या नरेटर हैं वो ये बता रही हैं कि मिसेस डॉलिंग यूज टू टेक सो मेनी थिंग्स एट हर वन गो है ना कि जो बिलोंगिंग्स थी मिसेस एस की वो एक जब एक बार जाती थी तो वो बैग फुल करके एक ही बार में कई सारी बिलोंगिंग्स को लेके जाती थी ओके okay. उसके बाद एंटिक एंटीक का मतलब होता है वेरी ओल्ड है ना जो कि आ, बहुत पुराने होते हैं उनको हम एंटीक पीसेस कहते हैं राइट उसके बाद है लगिंग लगिंग का मतलब होता है ड्रैगिंग ड्रैगिंग ये वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है जब मिसेस डॉलिंग एक सूटकेस भर के जो है वैल्यूएबल चीज़ों को लेके जा रही थी एंड डैट सूटकेस वॉज एक्चुअली दैट मच हैवी कि वो उसको पिक भी नहीं कर पा रही थी एट दैट दैट टाइम शी लैगिंग राइट तो यहाँ पे लैगिंग यूज हुआ था ओके okay. वैसे, वैसेस वैसेस यानी फ्लावर पॉट्स आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू जो फूल के गुलदस्ते होते हैं फूलों के उन्हें हम क्या कहते हैं आ, फ्लावर वॉस या फ्लावर वैसेस कहते हैं ओके okay. क्रिक क्रिक हमने क्रूक फॉर्म में यूज़ किया था क्रिक मैंने आपको बताया था लचक लचक जाना या मूह जाना राइट सो so, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कि सडन स्टिफनेस इन मसल्स कहाँ किस वजह से आ गई थी और ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था तो ये जो है क्योंकि मिसेस डॉलिंग्स जो हैं इतनी सारे सामान को टू सेव वेट वो क्या करती थी वो कैरी करके अपने घर पे ले जा रही थी इसीलिए जो है मिसेस एस को लग रहा था कि शायद ये सामान बहुत भारी हैं तो हो सकता है कि उनके कमर में लिटिल बिट क्या हो सकता है क्रिक आ गया हो यानी लिटिल बिट स्टिफनेस भी आ सकती है तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था उसके बाद कटलरी हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे लेसन में कटलरी का मतलब होते हैं कि बर्तन अब किस तरीके के बर्तन जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं द यूटेंसिलच इज़ मेड अप ऑफ चा, आ, चीनी मठ और द जो जो कि आपकी बुक में लिखा है पॉट्स ऑफ चाइना तो हम बेसिकली कहते हैं चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें बेसिकली हम कटलरीज़ कहते हैं आजकल बहुत अलग अलग फाइबर्स और मटेरियल्स में भी आ रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी में आ रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं इन बर्तनों को हम कटलरीज कहते हैं राइट उसके बाद है पिटिंगली पिटिंगली कहाँ यूज़ हुआ है जब मिसेस एस बहुत ही दयालुता भाव से कहती हैं कि बिचारी हमारे लिए इतनी हेल्प कर रही हैं दे आर सिक्योरिंग दे आर सेविंग आवर लग्जूरियस आइटम और वैल्यूबल आइटम्स तो यहाँ पे वो बहुत ही दया भाव दिखाती हैं और पिटिंगली का मीनिंग होता है इन पैथटिक मैटर ठीक है सॉरी इन्हें पैथेटिक मैनर राइट ओके इंसिस्टेड इंसिस्टेड का मतलब होता है stressed. अब स्ट्रेस या insisted वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है तो इंसिस्ट जब वो करती हैं जब ये फाइंड आउट करती हैं कि जो उनकी बेटी है वो थोड़ा सा कन्विंस नहीं है तो वो इंसिस्ट करते हुए कहती हैं सॉरी जब वो फाइंड आउट करती हैं कि मैं इतना समझा रही हूँ देन ऑल्सो दिस गर्ल इज़ नॉट रेडी तो वो इंसिस्ट करती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेव और वैल्यूएबल्स तो वहाँ पे इंसिस्टेड वर्ड यूज हुआ ओके okay. उसके बाद है एंटायरली तब उसके बाद भी जब उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की पूरी तरीके से कम्प्लीटली एंटायरली मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से कन्विंस्ड जो अला अगला वर्ड है कन्विंस्ड मतलब सेटिस्फाइड नहीं है मतलब वो, वो नहीं मान रही है चीज़ों को तब यहाँ पे एंटायरली और कन्विंस यूज होता है कि मिसेस डॉलिंग बस इसी रीजन से ये सामान लेके जा रही क्योंकि वो हमारी लग्जूरियस आइटम को या वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स को सेव करके रखना चाहती है ये था मुद्दा उस समय राइट ओके ना रिप्रोविंगली ये वर्ड कहाँ आता है रीपो प्रोविंगली का वर्ड मीनिंग होता है रीबकिंग फ्लाप पॉट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो फूल uh, के गुलदस्ते होते हैं फूलों के उन्हें हम क्या कहते हैं आ, फ्लावर वास या फ्लावर कहते हैं ओके okay. क्रिक क्रिक हमने क्रुक फॉर्म में यूज़ किया था क्रिक मैंने आपको बताया था लच लचक जाना या मूह जाना राइट right? सो so, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कि सडन स्टिफनेस इन मसल्स कहाँ किस वजह से आ गई थी और ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था तो ये जो है क्योंकि मिसेस डॉलिंग्स जो है इतनी सारे सामान को से वेट वो क्या करती थी वो कैरी करके अपने घर पे ले जा रही थी इसलिए जो है मिसेस एस को लग रहा था कि शायद ये सामान बहुत भारी है तो हो सकता है कि उनके कमर में लिटिल बिट क्या हो सकता है क्रिक आ गया हो यानी लिटिल बिट स्टिफनेस भी आ सकती है तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ था उसके बाद कटलरी हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे लेसन में कटलरी का मतलब होते हैं कि बर्तन अब किस तरीके के बर्तन जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं द यूटेंसिलच इज़ मेड अप ऑफ चीनी मड और जो कि आपकी बुक में लिखा है पॉट्स ऑफ चाइना तो हम बेसिकली इसको कहते हैं चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें बेसिकली हम कटलरीज कहते हैं आजकल बहुत अलग अलग फाइबर्स और मटेरियल्स पे भी आ रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी में आ रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं इन बर्तनों को हम कटलरीज कहते हैं राइट right? उसके बाद है पिटिंगली पिटिंगली कहाँ यूज़ हुआ है जब मिसेस एस बहुत ही दयालुता भाव से कहती हैं कि आ, बिचारी हमारे लिए इतनी हेल्प कर रही हैं दे आर सिक्योरिंग दे आर सेविंग अवर लग्जूरियस आइटम और वेल्यूबल आइटम्स तो यहाँ पर वो बहुत ही दया भाव दिखाती हैं और पिटिंगली का मीनिंग होता है इन पैथटिक मैथर ठीक है सॉरी इन pathetic manner right okay insisted insisted का मतलब होता है stressed अब stressed या insisted वर्ड कहाँ यूज हो रहा है तो insist जब वो करती हैं जब ये फाइंड आउट करती हैं कि जो उनकी बेटी है वो थोड़ा सा कन्विंस नहीं है तो वो इंसिस्ट करते हुए कहती हैं सॉरी जब वो फाइंड आउट करती हैं कि मैं इतना समझा रही हूँ देन ऑल्सो दिस गर्ल इज़ नॉट रेडी तो वो इंसिस्ट करती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेव और वैल्यूएबल्स तो वहाँ पे इंसिस्टेड वर्ड यूज़ हुआ ओके okay. उसके बाद है एंटायरली तब उसके बाद भी जब उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की पूरी तरीके से कम्प्लीटली एंटायरली मतलब कम्प्लीटली पूरी तरीके से कन्विंस्ड जो अला अगला वर्ड है कन्विंस्ड मतलब सेटिस्फाइड नहीं है मतलब वो, वो नहीं मान रही है चीज़ों को तब यहाँ पे एंटायरली और कन्वेंसड यूज़ होता है कि मिसेस डॉलिंग बस इसी रीज़न से ये सामान लेके जा रही क्योंकि वो हमारी लग्जोरियस आइटम को या वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स को सेव करके रखना चाहती हैं ये था मुद्दा उस समय राइट ओके नाउ रीप्रोविंगली ये वर्ड कहाँ आता है रीपोप्रोविंगली का वर्ड मीनिंग होता है रीबकिंग और चिडिंगली तो ये जो है इसका मतलब होता है कि चिढ़ते हुए एक्सप्रेशन देना राइट right? तो ये गुस्से में जब देखती हैं कि ये बच्ची कन्विंस नहीं हो रही तो वो एक चढ़ चिड़ते हुए लुक देती है रिप्रोवली लुक देती हैं और उसके बाद वो दोनों मिसेस एस एंड हर डॉटर नेवर नेवर टॉक्ड अबाउट दिस मैटर ठीक है तो ये बात होती और इस बारे में हमने एट द टाइम ऑफ डिस्कशन हमने चर्चा भी की थी ओके नाउ अटेंशन टू टेक केयर ओके उसके बाद है फेमिलियर यानी वेल well नोन ठीक है फैमिलियर और अटेंशन कहाँ वर्ड यूज़ हुआ है जब वो उस रोड से जा रही थी वापस रेलवे स्टेशन और वो नोटिस नहीं करती हैं शी डिडेंट टुक केयर कि वो इन गलियों से राइट right, इन रास्तों से कितनी फेमिलियर हैं तो यहाँ ये वर्ड यूज़ हुआ था प्रेशियस मतलब वैल्यूएबल ये किस लिए यूज़ हुआ है कटलरीज़ के लिए एंड बिलोंगिंग्स के लिए ये प्रेशियस वर्ड यूज़ हुआ है right? राइट उसके बाद आता है बिकॉन बिकॉन का मतलब होता है गेव सिग्नल तो यहाँ पे मैंने एक जगह आपको बताया था कि मिसेस एस जो हैं वो मिसेस डॉलिंग को जाने का इशारा कर दी राइट तो बिकॉन वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है शी गेव अ सिग्नल टू मिसेस डॉलिंग दैट शी मस्ट लीव फ्रॉम हियर एंड शी मस्ट गो टू हर प्लेस तो बिककॉन यहाँ पे वर्ड है आइए देखते हैं अनदर वर्ड मीनिंग्स सो लेट्स गो थ्रू द अदर वर्ड मीनिंग्स ओके, सो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज पिक्ड अप मतलब लिफ्टेड अप तो यहाँ पे हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था कि उन्होंने एक छोटा सा इशारा किया था और उसके बाद मिसेस डॉलिंग क्या करती हैं उन सामान को लिफ्ट करती हैं और चली जाती है तो यहीं से अप यूज़ हुआ है ओके okay. लिब्रेशन मतलब लिब्रेशन मतलब फ्रीडम होता है कि आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम ओके स्टफ मतलब थिंग्स रिलेटेड बिलोंगिंग्स और कन्फ्रंटेड मतलब फेस वि और उसके बाद आता है इंडियोर्ड मतलब टॉलरेटेड और अनथ्रटन विदाउट एनी थ्रेट ऑफ़ फियर अब ये जो शब्द हैं ये कहाँ यूज़ हुए हैं बात आती है ओके सो दीज वर्ड्स आर यूज जब uh, जो नरेटर हैं वो कहती हैं कि आफ्टर द फ्रीडम उसके कुछ समय बाद भी शी वॉज लाइक शी डोंट वॉन्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ अदर्स बिकॉज शी वॉज लिटिल बिट फ्राइटन एट दैट टाइम राइट एंड ऑल्सो शी वॉन्ट टू डोंट फेस एनी वन एंड शी एडेड ऑन द थिंग्स और द बिलोंगिंग्स विच वॉज एट द प्लेस ऑफ मिसेस डॉलिंग्स दे आर वेटिंग सो दैट द पीपल कैन कम एंड टेक दम विदसेल्स बिकॉज 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 फॉर द थिंग्स शी वो कहना चाहती हैं क्योंकि उन चीज़ों के लिए इतनी दिनों की दूरी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो गया था तो ये जो सारे शब्द हैं लाइक स्टफ्स कनफ्रेंट इंडियोड एंड अनथ्रीट ये यहीं से उठाए गए और अन थ्रीटन वो कब हुई थी कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद जब सारी चीज़ें नॉमलाइज हो जाती हैं जब उनको ऐसा लगता है ना शी इज़ एबल टू हैव सफिशेंट काइंड ऑफ फूड और अब उनकी जिंदगी जो है वह पहले से बेहतर हो गई है एट द सेम टाइम शी वॉज नो अन थ्रीटेन वो अब डर नहीं रहती विदाउट एनी थ्रीट इसका मीनिंग होता है राइट उसके बाद है क्यूरियस क्यूरियस मीन्स इनाक्शियस ये मतलब क्यूरियस वो जानना चाहती थी इच्छुक थी शी वॉज क्यूरियस टू टेक द पोजिशंस ऑफ अर बिलोंगिंग्स राइट ये हमने सेंटेंस पढ़ा था और एट द टाइम ऑफ एक्समेशन मैंने आपको बताया था राइट तो वो क्यूरियस थी नक्षस थी कि वो जा करके अपने बिलोंगिंग्स को क्या लें उनका पजिशंस ले ले राइट उसके बाद है पजिशन पजिशन मतलब बिलोंगिंग्स मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको टेक ओवर कर ले एक्चुअली पजिशन का मतलब टेक ओवर होना चाहिए राइट उसके बाद है इरन इरेन का मतलब होता है जॉब वर्क राइट तो यहाँ पे ये वर्ड कब यूज़ हुआ है जब अगेन जो आ, लड़की है या नरेटर कह सकते हैं वो जब रेलवे स्टेशन से वापस आती हैं एट द सेम टाइम अगेन शी नॉक द डोर ऑफ मिसेस डॉलिंग वहाँ से एक लड़की पंद्रह साल की बाहर आती है एंड व्हेन शी टू हुम यू वांट टू मीट देन द नरेटर रिप्लाई दैट आई वांट टू मीट मिसेस डॉलिंग यहाँ पे जो लड़की है फिफ्टीन ईयर ओल्ड गर्ल शी टोल्ड दैट कि शी वॉज एट वर्क इफ़ यू वॉन्ट टू वेट फॉर हर प्लीज़ कम इनसाइड माई होम एंड वेट एंड यू कैन वेट हीयर राइट तो ये वो चीज़ कहती हैं तो so, यहाँ इरेंट बात आई है अ जॉब वर्क ओके उसके बाद है हनुक्का ये उस समय की बात है वैन फर्स्ट टाइम द नरेटर वॉज एंटरिंग हर हाउस और मिसज डॉलिंग हाउस वन शी वॉज वॉकिंग फ्राम द पैसेज शी सॉ हनुक्का दैर हनुक्का क्या होता है एक जोश फेस्टिवल में यूज़ देने वाला लाइट होता है राइट तो एज़ यू आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट शी वॉज नॉट ए जिस तो ये जिश कहाँ से ये जो हनुक्का ज्विश लाइटर लाइटिंग है ये जो हनुक्का है जो जुइ फेस्टिवल के लाइट के लिए यूज़ किया जाता है ये कहाँ से उनके पास आया था तो ये सफकोर्स ये किसका था मिसेस एस का था और उनकी बेटी का था तो यहाँ से वो रिकॉग्नाइज़ चीज़ों को करना स्टार्ट करती हैं राइट right? और इसके बाद आता है कंबर्सन तो वो जो है वो इसमें ये कहना चाहती हैं जो नरेटर हैं कि ये जो हनुक्का है ये एक्चुअली नॉर्मल कैंडल से जो नॉर्मल कैंडल है उससे काफ़ी हैवी होता है राइट right? हैवी है इसका मीनिंग ओके okay. फिर लिविंग रूम मतलब होता है सिटिंग रूम जहाँ पे वो जाके बैठी थी हॉरीफाइड मतलब स्कैरड हो जाता है अब यहाँ पे हॉरीफाइड कब वर्ड यूज़ किया गया है कि जब जैसे ही जो नरेटर है या डॉटर ऑफ मिसेस एस है वो जैसे ही एंटर करती हैं देश शी फाउंड एन एटमोसफियर वेर इट्स लिटिल बिट मिस्टी एंड ईच एंड एवरी थिंग नॉट लुकिंग नीट एंड क्लीन द थिंग्स आर नॉट केप्ट प्रॉपरली ओवर देर तो यहाँ पे वो डर जाती हैं उन चीज़ों को देख करके ये मेरी चीज़ें हैं जिनको इतनी बुरी तरीके से रखा गया है ओके okay, अपसर्ड इसका मतलब होता है ट्रबल्ड वो सब चीज़ में ट्रबल्ड फील कर रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से रखी गई थी ओके मगी मगी स्मेल ऑफ डांपनेस यानी सीलन जैसी जो स्मेल आती है उसे हम कहते हैं मगी उसके बाद है स्केली इसका मतलब है हार्डली और Here, एक वर्ड मैंने आपको यूज़ किया था प्यूटर प्लेटर राइट प्यूटर प्लेट ये जो होता है प्लेट ऑफ जिंक होता है जहाँ पे जो नरेटर है वो कहना चाह रही थी कि मुझे इस पर एप्पल रख के खाना बहुत पसंद था ये उनकी एक फैंटसी थी या फैं fan... ये उनकी एक फैंटेसी थी ओके okay. तो यहाँ क्वेश्चन लिए भी एक वर्ड यूज़ हुआ है ये क्वेश्चनली का मतलब मतलब है कि टू आस्क सम क्वेश्चन कि इस तरह के आ, मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशन देना कि जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही हैं तो ये कब हुआ था जब ये सारी बातें सुन करके कि मैं ये चाहती थी कि मैं इस प्लेट पे खाना खाऊं मैं इन बर्तनों को धोती थी एंड इन चीज़ों को मैंने यूज़ किया हुआ है तो वो जो फिफ्टीन ईयर ओल्ड है मिसेस डॉलिंग की डॉटर वो लिटिल बिट जो है वो क्वेश्चन करने के इमोशंस को या एक्सप्रेशंस को अपने फेस पे लेकर आती हैं ओके नेक्स्ट वर्ड मीनिंग लेंट दिस इज़ द वर्ड एंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ गिविन टू सम ये वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है जब आ, आ, जो नरेटर है वो ये कहते हुए नहीं रुक पाए कि द थिंग्स यू मिस्ड ठीक uh, है और टू गिव सम थिंग्स है ना क्योंकि अब वो तुम्हारे पास नहीं है तो यहाँ पे लेंट वॉड्यू यूज हुआ है ओके okay. उसके बाद है प्रोबेबली प्रोबेबली का मीनिंग होता है परहैप्स कटलरी कटलरी मतलब नाइफ्स फोक्स स्पूंस ओके ओके हैव अ बिट हैव अ बिट का मतलब होता है शर्त लगाना यहाँ पे बच्ची ने जब कहा कि आई बैठ की तुम अभी भी इन चीज़ों को नहीं जानती होगी तो यहाँ पे हवा बैठ की actually, right? ये सारी कटलरीज हैं ये सिल्वर की हैं एक्चुअली, राइट ये चीज़ें वो उस मतलब सीन में बताई गई थी उसके बाद है जिंगलिंग यानी साउंडिंग लाइक स्मॉल बेल्स ये, like ये कहाँ पे जिंगलिंग वर्ड यूज़ हुआ है जब uh, जो नरेटर है उनको अचानक याद आता है दैट शी टू रश टू वर्ड्स द रेलवे स्टेशन बिकॉज शी इज़ हैविंग ट्रेन वो लेट हो चुकी हैं तो वहाँ पे जब वो घर से निकलती रहती हैं क्योंकि उसी समय उनको वो 15 ईयर ओल्ड सारे फोक्स और नाइफ्स दिखाने के लिए निकालती रहती हैं तो वो जो साउंड आता है वापस रखते समय वो ये जिंगलिंग साउंड आता है जो वो बताती हैं कि जब मैं जा रही थी तो वो उसे वापस रख रही थी क्योंकि मैं जा रही थी एट दैट टाइम शी आस्क दैट कि डोंट यू वॉन्ट टू मीट माई मदर मिसिज डॉलिंग तो यहाँ पे वो कहते हुए जाती हैं नरेटर कि नो आई डोंट वांट टू मीट हर आई एम रशिंग टू रेलवे स्टेशन बिकॉज राइट नाउ आई एम हैविंग माय ट्रेन ओके उसके बाद आता है इंस्टेंटली मतलब एट वंस है ना इंस्टेंटली वो ये डिसाइड करती हैं कि शी विल फॉगेट दिस एड्रेस एंड शी विल नेवर कम बैक टू दिस एड्रेस सो दीज आर दर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन नाउ कमिंग टू फ्यू क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल no what is the answers of this question so first question on your screen the story is divided into pre war and post war time what hardship do you think the girl underwent during these days तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये जो स्टोरी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम राइट तो यहाँ पे ऐसे कौन से हार्डशिप थे जो गर्ल को फेस करने पड़ते ओके okay, तो द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम वेयर कि जो मिसेस एस थी वो जोइ थी और उसके बाद हॉलैंड में वॉर हुआ था हॉलैंड में वॉर होने के बाद उनको क्या करना पड़ा था उनको वो अपना जो घर है वो छोड़ के जाना पड़ा था ठीक है सो प्री वॉर की अगर हम बात करें प्री वॉर क्या हुआ था मिसेस एस ने टू सेव हर लग्जूरियस आइटम्स और बिलोंगिंग्स शी गेव हर ऑल आइटम्स और बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉलिंग ठीक है टू टेक द सेफ्टी और टू टेक केयर ऑफ इट ठीक है तो, uh, तो यहाँ पे जो बात थी कि जो बच्ची थी या नरेटर थी शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिचुएशन की मॉम जो है अपनी सारी चीज़ें सारी लग्जूरियस सारो सारी लग्जूरियस सारी वैल्यूएबल आइटम्स को मिसेस डॉलिंग को दे रही हैं और उसके पीछे रीजन वो ये दे रही हैं कि टू सेव इट सो शी वाज एक्चुअली नॉट इवन कन्विंस्ड शी वाज एक्चुअली नॉट कन्विंस्ड विद दिस एक्सप्लेनेशन। तो ये प्री वॉर था राइट पोस्ट वॉर क्या हुआ कि आफ्टर द वॉर चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी शी हर फैमिली शी हर हाउस शी लॉस्ट आर मॉम एज वेल एंड एट दैट टाइम शी वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर ब्रेड ठीक है फॉर अ सिंगल नाइट और सिंगल टाइम वी कैन से शी डोंट हैव अ फ्लैट और अ रूम टू स्टे शी डोंट है अ बेड टू स्लीप तो ये जो चीज़ें थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी एंड जब वॉर की सिचुएशन थोड़ी फाइन हुई वेन शी केम बैक आफ्टर द वॉर टू टेक द पोजिशंस ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स देन शी केम टू नो दैट मिसज डॉलिंग वॉज नॉट रेडी टू रिकोगनाइज हर एज वेल एंड शिकोगोगनाइज हर एंड शी वॉज नॉट रेडी टू गिव हर बिलोंगिंग्स एज वेल ओके तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लिख सक नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डि दरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉगेट द एड्रेस यहाँ पे नरेटर ऑफ द स्टोरी फॉगेट करना चाहते हैं उस एड्रेस को एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया कि प्री वॉर और पोस्ट वॉर वाली बात है सो वेन शी Came and visited uh, Mrs. Jowling's house. At that time, she found that she, uh, the lady, was not ready to recognize her, and actually, she was avoiding her. So that the position must not be given to her, right? And uh, she was not getting her inside at the house also. So, pe when she find out the valuable things are not kept properly, and she find out that the memories.

ये स्टोरी जो है वो ह्यूमन में जो चेंजेस आ रहे हैं या उनका जो प्रेडिकमेंट है उसके बारे में है आपको कमेंट करना है तो ये वॉर के पहले क्या हुआ था मिसेस एस ने अपने सारे वैल्यूएबल चीज़ों को और अपने जितने भी बिलोंगिंग्स थे उसको किसको हैंड ओवर कर दिया था मिसेस uh, जॉलिंग को हैंड ओवर कर दिया था और वहाँ पे चीज़ें जो थी सारी सॉर्टेड दिख रही थी बट आफ्टर द वॉर व्हेन नरेटर लेफ्ट हर हर होम व रेटर लॉस्ट हर होम हर मदर हर फैमिली देन वेन शी केम एंड विजिटेड डॉलिंग्स हाउस वहाँ पर उन्होंने पाया कि उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था एंड शी वॉज नॉट रेडी टू रिकोगनाइज हर एंड जो बात होती है बिलोंगिंग्स को वापस करने की वो तो बहुत ही दूर की बात है तो एड्रेस जो है इस स्टोरी में द एड्रेस वाली स्टोरी में ये वो जो वॉर के बाद लोगों की जो स्थितियां हैं उसके बारे में बता रहा है और क्योंकि चीज़ें जो है पहले इस तरीके की थी कि मैसेज एस ने सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी थी सारी लग्जरीस आइटम ठीक है अब वहाँ पे वॉर वॉर के ड्यूरेशन में लोगों को प्रॉपर ब्रेड नहीं मिल रहा था प्रॉपर बेड नहीं मिल रहा था प्रॉपर रूम नहीं था बट आफ्टर वॉर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है एंड आफ्टर अ लीप ऑफ टाइम और आफ्टर अ ड्यूरेशन राइट ये चीज़ें सॉर्टेड होती हैं और उसके बाद जो है नारेटर फिर से विजिट करती हैं मिसेस डॉलिंग के घर इसके बाद क्वेश्चन आता है हु इज मिसेस डॉलिंग तो हु इज मिसेस डॉलिंग मिसेस डॉलिंग was an acquaintance of mrs s Tike. she was a cunning lady she took all the valuable belongings from the house of mrs and as she told that she will take care of it otherwise they will lose these things during the war so she acted as a cunning lady in this story now, who was Mrs. S? Mrs. S was a Jewish rich lady. She was a rich lady too, and she was having so many, so many uh, valuable things with her as she was a rich lady. Uh, during the war, she had to leave Holland, and she shifted with her daughter in another city. And during the war. Or after the war, we can say uh, she, she died, and her daughter was left alone. Her daughter was left alone.